Hello, students, and welcome back to bankexamstudy.com. My name is Ramandeep Singh. So, students, today I'm going to tell you the best study material that you should follow for Bank of Baroda Senior Manager MSME 2023 exam. I got emails and messages from a lot of students. are asking me sir, give me the best study material. What should I study and what to avoid? Okay. So, students, my name is Ramandeep Singh, and I've been teaching on bank exams from last 12 years. This is my WhatsApp number where you can ask your doubts, and I'm going to answer your doubts. Okay.

ओके विद इन द अवेलेबल टाइम प्रोफेशनल नॉलेज में नेगेटिव मार्किंग है देर इज पॉइंट टू फाइव देर इज ने क्वेश्चन है एंड द फाइनल कट ऑफ वुड बी बेस्ड अपॉन द मार्क्स इन प्रोफेशनल नॉलेज फाइनल कट ऑफ है वो प्रोफेशनल नॉलेज में जितने मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपका कट ऑफ बन जाएगा राइट सो हाउ टू स्कोर दिस मच और हाउ टू गेट द सक्सेस थोड़ा सा बताता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ रीजनिंग क्वांट और इंग्लिश में जिससे आप टेन टेन मार्क्स अचीव कर लोगे ईजिली एंड वॉट एग्जैक्टली टू स्टडी फॉर प्रोफेशनल नॉलेज जिससे आप कर सकते हो इसको ईजिली कर सकते हो सेवेंटी फाइव में से इवन इफ यू आर एबल टू स्कोर एनीथिंग बिटवीन थर्टी टू थर्टी फाइव दैट वुड बी एन अमेजिंग स्कोर सो फोर्टी फोर्टी फाइव परसेंट अगर आप फोर्टी परसेंट ले लेते हो स्कोर राइट right? तो वो एक अच्छा स्कोर है 40 से थोड़ा सा आगे चले जाइए या फिफ्टी परसेंट मार्क्स ले लीजिए इफ़ यू आर एबल टू स्कोर लाइक समथिंग लाइक आई वुड से 35 फाइव टू फोर्टी तो 35 एक अच्छा मार्क है 35 फाइव टू फोर्टी इज अ गुड मार्क ठीक है इतना आप स्कोर कर लो आपका आपको इंटरव्यू की कॉल जरूर आएगी ओके सो लास्ट वीक आई गेव यू द वीकली प्लान आर बी आई सर्कुलर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर बी आई सर्कुलर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम

सी वाट आर सर्कुलर आर बी आई गिव यू मास्टर सर्कुलर एक मास्टर सर्कुलर है देन दे कीप ऑन अपडेटिंग दर्कुलर जैसे इम्प्लीमेंटेशन की डेट एक्सटेंड हो गई है कोई माइनर चेंज हो गया है दैट इज़ अ सर्कुलर यू आर नॉट सपोज टू रीड द डे टू डे न्यूज़ ओनली आपको ये नहीं है कि ये डेट एक्सटेंड हो सर्कुलर की आपको सर्कुलर का पता होना चाहिए राइट right. कई बार दो साल पुराना सर्कुलर आज उसकी अपडेट आती है ये हुआ है पेमेंट गेटवे वाला जो सर्वर है उसका नेटवर्थ जो आई गेस पच्चीस करोड़ रुपए है तो बहुत सारे पेमेंट गेटवे बंद हुए हैं फॉर एग्जांपल इंस्टा मोजो तो दैट्स इम्पॉर्टेंट लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इंसॉल्वेंसी बैंक करपसी सरफाइसी डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए वी फॉलो द बेर एक्ट्स पेयर एक्ट फॉलो हम फॉलो करते हैं गवर्नमेंट यही निकालती है नेट से हम पीडीएफ डाउनलोड करके यही पढ़ाते हैं बिकॉज यही बेस्ट है अगर आप कोई बुक पढ़ोगे तो बुक में हो सकता है कि वो किसी एलएलबी वगैरह के लिए बनाई हो और आपके लिए रेलिवेंट उतनी ना हो आप एक्सेसिव डिटेल uh, में जाके पढ़ रहे हो उसका कोई फ़ायदा ना हो ठीक है एंड बैंकिंग डाइजेस्ट बहुत सारी वेबसाइट्स निकालती हैं हम भी करते हैं राइंग हम फोकस करते हैं क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम्स के लिए राइंग एंड वी मेक लाइक वेरी इन शॉर्ट फॉर्मैट पंद्रह बीस पेज का हर मंथ के लिए हम निकालते हैं और बैंक एग्जाम छोटे डॉट कॉम पर अवेलेबल रहता है आपका जब हम करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज में हम नुमेरिकल्स भी आते हैं देर विल बी नोमैरिकल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोमैरिकल्स का जो है वो है रेशियो एनालिसिस हर साल रेशियो एनालिसिस में से क्वेश्चन आते हैं रेशियो एनालिसिस इज मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कैश फ्लो फंड फ्लो प्रोजेक्ट रीजन एक आध क्वेश्चन आ जाता है वर्किंग कैपिटल में से भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन उतने नहीं आते हैं डेरिवेटिव की थ्योरी आ जाती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैपिटल बजटिंग की थ्योरी आती है इसका थ्योरी ज़्यादा आ जाता है ठीक है थ्योरी भी न्यूमेरिकल अगर आता है तो वो रेशियो एनालिसिस आता है या बेसिक आपका बैलेंस शीट में से क्वेश्चन आता है कि बेसिक बैलेंस शीट आइटम्स बेसिक जनरल एंट्रीज वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है थीके? इनईक्वालिटीज़ uh, अगर आपको टेन मार्क्स लेने हैं आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव यू वॉन्ट टू गेट टेन मार्क्स इनक्वालिटीज सेलॉजिजम सीरीज मशीन इनपुट आउटपुट कोडिंग बिकोडिंग ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस टेस्ट और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस जस्ट डू दिस एंड यूल बी एबल टू स्कॉट टेन आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव पजल और सिटिंग अरेंजमेंट अगर आपने काफ़ी टाइम से नहीं करी है तो अब शायद नहीं हो पाएगा राइट right? इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन इन द पास्ट अगर आपने अच्छे से पी ओ वगैरह की तैयारी पास्ट में करी थी और क्रैक करा था एग्जाम यू कैन ईजिली डू दिस अदरवाइज इफ़ यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ तो ये नहीं हो पाएगा और ज़रूरी नहीं है कि आप पी ओ पहले रहे हों अपने तैयारी करी हो जरूरी बिल्कुल नहीं है ईजिली कैन बी डन इन इक्वालिटी सलाजिज़म ये बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं इन इक्वालिटी सलाजिज्म मशीन इनपुट आउटपुट कोडिंग भी कोडिंग डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन ये बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं एंड कैन भी ईजिली डन इवन सीरीज में से अगर कोई क्वेश्चन आता है वो बहुत ही ईजी रहता है पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट कई बार करना मुश्किल हो जाता है इसमें से क्वेश्चन आते हैं लेकिन मुश्किल हो जाता है राइट इफ यू कैन डू दिस इट्स ग्रेट अगर आप कर सकते हैं तो हंड्रेड परसेंट शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा अदरवाइज काइंड ऑफ इंग्लिश में कोई फेल नहीं होता तो कम ही फेल होते हैं इफ़ योर इंग्लिश इज गुड इनआफ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई गेस आपकी इंग्लिश थी, अच्छी ठीक ठाक है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट्स टू फेल इन इंग्लिश इंग्लिश क्वांट में सबसे कम स्टूडेंट क्वांट में फेल होते हैं एंड देन इंग्लिश रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जाते हैं क्योंकि अगर दो सेट uh, आ गए पजल्स uh, के तो आपको पंद्रह में से दस मार्क्स लेने मुश्किल हो जाते हैं तो पजल करनी पड़ेगी तो हो सकता है कि आपके उतने अच्छे मार्क्स ना आए बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप 25 के 25 फाइव क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करो मान लो 25 में से आपको सात क्वेश्चन सही आते भी हैं तो बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं बाकी जो सात आठ आठ क्वेश्चन आते हैं आपको सात आते हैं बाकी के सारे क्वेश्चन पर आप रैंडमली आंसर लगाओगे तो आप दस पे पहुँच ही जाओगे एनी हाउ प्रॉबिलिटी की गेम है ठीक है अगर आप क्वांट की बात करें तो वहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है डेटा uh, इंटरप्रिटेशन के अगर एक या दो सेट आ जाते हैं ईजीली यू कैन स्कोर लाइक सेवन एट मार्क्स हेयर यू कैन ईजिली स्कोर लाइक वन टू मार्क्स इन द पार्टनरशिप्स इन द मिक्सचर एंड देन अ प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट राइट वेरी ईजी टॉपिक्स अगर नंबर सीरीज में से पाँच क्वेश्चन आ जाते हैं सेट आ गया तो दैट्स वेरी वेरी ईजी इक्वेशन में से एक दो मार्क्स एंड दीज आर वेरी इजी टॉपिक्स इवन रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर वेरी वेरी ईजी टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन ये सारे टॉपिक्स भी बहुत ईजी हैं वेरी इजी टू स्कोर टेन मार्क्स अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन अगेन एंड इंग्लिश के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप आर सी प्रैक्टिस करो एर स्पॉटिंग की प्रैक्टिस करो एंड हमारा एक पावर कैप्स्यूल वी आर वर्किंग ऑन इट वेन एवर द डेट्स आर आउट एग्जाम डेट्स आर आउट वी आर गोन्न टू रिलीज अ पावर कैप्स्यूल जस्ट गो थ्रू दैट एंड टेक मॉक टेस्ट टेकिंग मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके बिना हो नहीं पाएगा इसके कॉन्टेंट राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन इट गवर्नमेंट स्कीम्स आर बी आई गाइडलाइंस इंडियाज रैंक्स ये सारा हम करके आपको प्रोवाइड करेंगे सो बेस्ट स्टडी मटेरियल सी स्टूडेंट्स व्हाट वी फॉलो आर की ऑफिशियल वेबसाइट्स वी फॉलो राइट आर की ऑफिशियल वेबसाइट को हम फॉलो करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक बाय आई एम पांडे दैट्स व्हाट वी फॉलो गवर्नमेंट वेबसाइट्स फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स ऑल द गवर्नमेंट वेबसाइट्स ऑफिशियल मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स हम फॉलो करते हैं बेयर एक्ट्स हम फॉलो करते हैं फॉर द लॉस एंड इकोनॉमिक टाइम्स एंड बिजनेस स्टैंडर्ड दैट्स वट यू कैन फॉलो ओके दैट्स दैट्स द काइंड ऑफ स्टडी मटीरियल दैट वी फॉलो टू मेक आर कोर्स द बैंक ऑफ बरोडा स्केल थ्री एम एस एम ई कॉर्स सीनियर मैनेजर कोर्स ये कोर्स बनाने के लिए हमने ये वाला स्टडी मटीरियल फॉलो किया है वी हैव एनालाइज इट वी हैव मेड द वीडियोज आउट ऑफ इट वी हैव मेड द क्विजेज द नोट द डाउटिंग सेशन The test series, the interview preparation guidance, everything is part of the course. The link to join the course is available in the description. आप एक बार चेक करें demo लें YouTube पर भी demo available है हमारे कॉस्ट में भी डेमो अवेलेबल है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास ऑलरेडी है वहाँ पे जाके देख सकते हैं मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं so, of our successful यू सो लिस्ट ऑफ आर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ऑल दी the टू का पास्ट एंड दे क्रैक द रिस्पेक्टिव really, रियली हैप्पी फॉर them. So you can be one uh, one of them in the future. If you have any doubt, please ask your doubts, and I'm going to answer you. And that's all for today, students. Thank you, and have a very nice day. Bye bye.